नमस्कार, मेरा नाम अमित जोशी है और मैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग में फैकल्टी के रूप में कार्यरत हूँ। मैं सभी लर्नर्स के सामने कुछ वीडियो की सीरीज़ लेकर के आया हूँ। लगभग 4 सीरीज़ हमारे पास है और ये जो सीरीज़ है उसके अंदर भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं। कुल मिला के 20 से 25 वीडियोज़ का ये एक सेट है और जिसमें हम सांख्यिकी को पूरा करेंगे, स्टैटिस्टिक्स जिसे हम कहते हैं। हम जाने या अनजाने डेली लाइफ में सांख्यिकी का यूज़ करते रहते हैं। अभी मैं अपने घर से मुक्त विश्वविद्यालय तक आया तो गाड़ी में आया तो मैंने तेल डाला उसमें, और मैंने ये भी हिसाब रखना है कितना तेल जा रहा है इसमें, ये भी हिसाब रखना है मेरी सैलरी कितनी है, अन्य एक्सपेंसेस कितने हैं। इन सबको मिला करके मैं जो अपने डेली लाइफ को मिला करके जो अपने पूरे ज़िंदगी का एक्सपीरियंस रखता हूँ 1 महीने भर का, वो सांख्यिकी के अंदर मैं जाने या अनजाने करता रहता हूँ। मान लीजिए मैंने एक शॉप खोली और जब मैं दुकान खोली तो मैंने उसमें कुछ चीज़ें रखी, कुछ चीज़ें रखी जैसे कि मान लीजिए मैंने जूते रखे उस दुकान में, बैग्स रखे उस दुकान में और बाकी एसेसरीज, अदर एसेसरीज रखी। 1 साल हो गया और 1 साल बाद मैंने ये देखना है कि मैंने अपनी दुकान में क्या परिवर्तन करना है। मैंने देखा कि पूरे साल भर किस चीज़ की ज़्यादा बिक्री हुई है। मान लीजिए जो मैंने एसेसरीज रखी थी उसकी सबसे ज़्यादा बिक्री हुई है, तो मुझे एक ऐसी चीज़ चाहिए जिसकी बिक्री सबसे कम हुई है, उसको मैं अपनी उस दुकान से हटा दूंगा और जितना पैसा मैंने उस चीज़ में लगाया था जिसको मैंने हटाया है उसकी जगह मैं एसेसरीज लेके आ जाऊँगा। और इसको हम कहते हैं मोड, सेंट्रल टेंडेंसी का एक पार्ट है। और यहाँ पर मैंने जाने या अनजाने मोड का इस्तेमाल किया कि जिस चीज़ की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा थी वो मैंने अपने दुकान में रख लिया। इन सब चीज़ों का जब हम एनालिसिस करते हैं हमें पता भी नहीं रहता है, और पता रहता है तो वो अच्छी बात है, तब हम इन चीज़ को कहते हैं कि हम सांख्यिकी का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं। नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कि सांख्यिकी होती क्या है, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। डेफिनेशन कहती है स्टैटिस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ द कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए कोई भी सिचुएशन मेरे पास है और उस सिचुएशन से डील करने के लिए मेरे पास सांख्यिकी रहती है। कैसे रहती है? सपोज मैंने ये देखना है कि जो कोविड का टीका बनाया था हमने, वो कोविड का टीका कितना कारीगर है, उसको ये चीज़ें कितना कारीगर है, कितने लोगों ने उसको लगाया है, कितने लोगों पर वो ठीक बैठा है, कितने लोगों पर वो असफल प्रयास हुआ है। जब मुझे इस चीज़ की जानकारी चाहिए तो मुझे चाहिए होगा डेटा। इसलिए पहले डेटा जानते हैं। डेटा इज सिंपली अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। जो भी मेरे पास आंकड़े आ रहे हैं वो क्या हैं, जो भी सच्चाई है या नंबर्स के रूप में मेरे पास जो भी रॉ डेटा आ रहा है, रॉ डेटा आ रहा है, उसको अच्छी तरह से रखना, उसको अच्छी तरह से एनालाइज करना, फिर उसको दूसरों को दिखाने के लिए किस तरह से मैं टेबल्स के फॉर्म में रख सकता हूँ, प्रेजेंट कैसे कर सकता हूँ, और फाइनली उसको इंटरप्रेट कैसे कर सकता हूँ अलग अलग फॉर्मूलेज लगा के। ये चीज़ें स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है और यही चीज़ हम अपने पूरी की पूरी वीडियोस में करेंगे। जानते हैं स्टैटिस्टिक्स कितने प्रकार के होते हैं? जनरली स्टैटिस्टिक्स 2 प्रकार के होते हैं। सांख्यिकी 2 तरीके की होती है, पहला इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, दूसरा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, अगर मान लीजिए अभी टीके वाला एग्जाम्पल मैंने लिया था, वापस उसे लेता हूँ, कोरोना आया था, लॉकडाउन लगा हुआ था, हमने टीका भी इजाद नहीं किया था, मान लीजिए हमने टीका बना लिया, अब लोगों को लगाने से पहले उसका प्रशिक्षण करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि यार कितने लोगों पर वो ठीक बैठ रहा है। तो उसके लिए अगर मेरी 121 करोड़ की जनता है, सब लोगों के ऊपर टेस्ट नहीं किया जा सकता है, कुछ उस पॉपुलेशन में से एक छोटा सा सैंपल मैं लूँगा, उसके ऊपर टेस्ट करूँगा। लगभग मान लीजिए मैंने 1,000 या 2,000 लोगों के ऊपर टेस्ट किया और उनके ऊपर टेस्ट करके मैंने पाया कि 95% ये असरदार है टीका, तो मैं उस छोटे से सैंपल से पूरे पॉपुलेशन का भी अनुमान लगा लूंगा कि जब इन 1,000 लोगों पर ये 95% असर कर रहा है, अच्छा इफेक्ट दे रहा है, तो पूरे के पूरी जो पॉपुलेशन है उस पर भी लमसम 99% अच्छा इफेक्ट देगा। तो जब मैं एक सैंपल से एक बड़े से पॉपुलेशन पे जाता हूँ, इस तरह की जब मैं सांख्यिकी का यूज करता हूँ उसे हम इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। दूसरी ओर है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, जो कि हमारा मुद्दा रहेगा, जो कि हमारा मैटर ऑफ कंसर्न रहेगा इन पूरी वीडियो सीरीज में। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, मेरे पास पूरे पॉपुलेशन का डेटा है,
जैसे मान लीजिए मेरे पास बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, बॉयज़ की हाइट है किसी क्लास में, कि बॉयज़ की हाइट कितनी है, या फिर बॉयज़ और गर्ल्स दोनों की हाइट कितनी है, तो मेरे पास जो ये पूरी सीरीज आ गई, मुझे इतने सारे बच्चों की हाइट से कोई मतलब नहीं है, मुझे एक नंबर चाहिए जो इन सब बच्चों को रिप्रेजेंट कर दे, इन सब बच्चों की हाइट को रिप्रेजेंट कर दे। तो उसके लिए मुझे एक नंबर चाहिए, तो उसके लिए मैं सेंट्रल टेंडेंसी का इस्तेमाल करूँगा। तो सेंट्रल टेंडेंसी का इस्तेमाल करना, फिर ये भी देखना कि वो जो नंबर मैंने चूज़ किया है, क्या वो वाकई में उस सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस डेटा सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस चीज़ के पड़ताल करना, ये सब डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स का काम है। तो जैसे देख सकते हैं कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन्फेरेंशियल स्टेटिस्टिक्स में आती है। इसका मतलब जितने भी मेरे टेस्ट यूज़ होते हैं, चाहे वो पैरामेट्रिक हो या नॉन पैरामेट्रिक हो, काई स्क्वायर टेस्ट हो, टी टेस्ट हो, एफ टेस्ट हो, एनोवा यूज़ कर रहे हैं हम, ये सारी की सारी चीज़ें इन्फेरेंशियल स्टेटिस्टिक्स काम करती है इस पर। डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स में जैसे मैंने बोला, सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन, और फिर डिस्पर्जन के जितने भी पार्ट होते हैं, जैसे सेंट्रल टेंडेंसी में मीन, मोड, मीडियम, अभी आने वाली स्लाइड्स में हम देखेंगे। डिस्पर्जन में भी हम रेंज कैसे निकालते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, मतलब फैलाव कितना है उस सीरीज में, जब इसकी स्टडी करते हैं, वो डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स हो गया। तो हमारा जो मैटर ऑफ कंसर्न रहेगा वो डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स रहेगा। हम देखते हैं कि हम क्या करेंगे। हमारे पास चार सीरीज आएंगी। एक सीरीज में, जैसे यहाँ पर चार सीरीज है, चार सीरीज में ये डेटा दिए गए हैं कि पहली सीरीज में हम कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा करेंगे, दूसरी सीरीज में हम बाइवेरिएंट डेटा, यानी अगर मेरे पास डेटा दो हो, दो डेटा के सेट्स हो या दो से ज़्यादा हो, तब मुझे कैसे उस पर काम करना है, हम इस वीडियो सीरीज में देखेंगे, वीडियो सीरीज नंबर 2 में। सीरीज नंबर 3 में हम इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन, पोलेशन जैसी चीज़ें, प्रोबेबिलिटी को कैसे इस्तेमाल करते हैं, टाइम सीरीज क्या होता है, उसके ऊपर बात करेंगे। अभी एक एक करके इसको और खोलेंगे। और फाइनली सीरीज नंबर 4th आएगी, जो उतना ज़्यादा भी स्टेटिस्टिक्स के ऊपर निर्भर नहीं है, ये थोड़ा सा एक अलग पार्ट है, स्टेटिस्टिक्स से थोड़ा सा हटके पार्ट है, बट हम इसको भी पढ़ेंगे। और इस तरह से हमारा एक पूरा का पूरा एक ब्लॉक तैयार हो जाएगा, एक पूरी बुक तैयार हो जाएगी। इसके अंदर हम सीरीज नंबर 4th के अंदर हम इनपुट आउटपुट टेबल, सेट रिलेशंस एंड फंक्शन, डिफरेंशिएशन किसे कहते हैं, इंटीग्रेशन किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें को देखेंगे। अब एक एक करके इसे देखते हैं। सीरीज नंबर वन में हम कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के ऊपर बात करेंगे। चलिए सबसे पहले चलते हैं डेटा कलेक्शन के ऊपर। डेटा कलेक्शन क्या होता है? जब भी मुझे डेटा चाहिए होता है, उस डेटा का इस्तेमाल मैं करके बाकी चीज़ें इन्फ्रेंस करूँगा, लेकिन जब मुझे डेटा चाहिए होता है, डेटा को कलेक्ट कैसे करूँ मैं? मेरे पास दो तरीके हैं। एक, या तो मैं प्राइमरी सोर्सेस के थ्रू डेटा को इकट्ठा करूँ। प्राइमरी सोर्सेस का मतलब है कि अगर मैं ऑन द स्पॉट, जहाँ पर वो घटना हुई है, जिस जगह की मुझे जानकारी चाहिए, जिस जगह के मुझे आंकड़े चाहिए, ऑन द स्पॉट जा करके मैं इकट्ठा करूँ, तब उसको कहते हैं हम प्राइमरी सोर्सेस से डेटा इकट्ठा किया गया है। इसमें जैसे कि इंटरव्यू, फेस टू फेस इंटरव्यू होता है, टेलीफोनिक इंटरव्यू हो सकता है, वीडियो कॉन्फ्रेंस हो सकती है, ये प्राइमरी डेटा का सोर्सेज है। दूसरे तरीके से हम डेटा कैसे इकट्ठा कर सकते हैं? सेकेंडरी सोर्सेज से। सेकेंडरी सोर्सेज का मतलब है गवर्नमेंट की वेबसाइट से, जर्नल्स से, कोई अखबार में कोई आर्टिकल आया है, उसमें कोई इंफॉर्मेशन या आंकड़े दिए गए हैं, उससे, वेबसाइट से, ये सारी चीज़ें सेकेंडरी सोर्सेज में आती हैं। तो ये डेटा कलेक्शन का पार्ट है। अब जब हमने डेटा को कलेक्ट कर लिया है, वो रॉ फॉर्म में है। रॉ फॉर्म में मतलब अभी उससे हम कोई इंटरप्रेट नहीं कर सकते हैं। कब तक नहीं कर सकते हैं? जब तक हम उसको अच्छी तरह से टेबल्स के फॉर्म में नहीं रखेंगे, उसको चार्ट्स के फॉर्म में नहीं रखेंगे, एक अपीलेबल नहीं बनाएंगे, तब तक हम उसमें से कुछ इन्फ्रेंस नहीं कर सकते हैं, कुछ चीज़ निकाल नहीं सकते हैं। तो दूसरा पार्ट है डेटा प्रेजेंटेशन का। डेटा प्रेजेंटेशन के लिए हम बहुत सारे टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। अक्सर एक्सेल में हम ग्राफ और चार्ट्स को प्लॉट करते हैं। जैसे यहाँ पर दो चार्ट्स दिए गए हैं, एक पाई चार्ट है और दूसरा बार ग्राफ है। ठीक इसी तरह से हिस्टोग्राम्स या फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कर्व्स, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। इन चीज़ों के द्वारा हम डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अपीलिंग बना सकते हैं। कहते हैं कि डायग्राम्स आर मोर अपीलिंग। अब जब मेरे पास डेटा आ गया प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज से, उसको मैंने अच्छी तरह से टेबल्स के फॉर्म में रख दिया, चार्ट्स के फॉर्म में रख दिया, लेकिन अभी भी मैं उससे इंटरप्रेट नहीं कर सकता हूँ। इंटरप्रेट करने के लिए मुझे उस पर स्टडी करनी पड़ेगी। मुझे एक नंबर चाहिए कि पूरा का पूरा डेटा आखिर किस चीज़ के ऊपर टिका हुआ है, कौन से ऐसे नंबर के ऊपर टिका हुआ है। तो उसके लिए हम सेंट्रल टेंडेंसी का इस्तेमाल करते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी के बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत मतलब एवरेज जिसे हम कहते हैं, तो ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे मोड है,
मीडियन है, मीन है, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, वेटेड मीन, इस तरह के जितने भी मीन है ये सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट है। और जब हम सीरीज कवर करेंगे पहली वाली, उसमें इन सबको एक एक करके इनके क्वेश्चंस को भी देखेंगे और किस तरह से हम डेटा को अच्छे से एनालाइज कर लें उसके लिए भी हम अच्छे से पढ़ेंगे इसको, कि मोड कैसे निकाला जाता है, कितनी तरह की सीरीज होती हैं और कितने तरह के तरीके हैं सॉल्व करने को, कौन सी सीरीज के लिए कौन सा तरीका अच्छा रहता है, ये सारा हम सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़ते हैं। अब हमको एक रिप्रेजेंटेटिव मिल गया, कहने का मतलब है मेरे पास, मुझे कुछ जानकारी चाहिए थी तो मैंने डेटा इकट्ठा किया, डेटा इकट्ठा प्राइमरी सेकेंडरी सोर्सेज से किया, डेटा मेरे पास जो भी आ गया उसको मैंने टेबल्स के फॉर्म में रखा, चार्ट्स के फॉर्म में अपीलिंग बनाया, उसके बाद उस पर स्टडी की और उस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए जो एक नंबर होगा उस एक नंबर को मैंने निकाला अलग अलग तरीकों से, मीन से या तो मोड से या हमारा मीडियन से, ऐसे जो भी ये वेटेड मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है, उससे एक नंबर निकाला जो पूरे सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि अगर एक नंबर पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वाकई में वो जो नंबर है वो भरोसेमंद है, भरोसा करने लायक है कि वो पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके लिए मुझे ये जानना पड़ेगा कि क्या वो जो सीरीज है वो ज़्यादा फैली हुई है, फैलाव उसमें ज़्यादा है। इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि क्लास में अगर बच्चे बैठे हुए हैं और उन बच्चों में से, बहुत सारे बच्चों में से एक मॉनिटर चूज करना है, तो स्टेटिस्टिक्स की भाषा में हम एक सेंट्रल टेंडेंसी चूज कर रहे हैं। अब हमने देखना है यार वो मॉनिटर जो है सबके साथ उसकी बनती है या नहीं बनती है, क्लास में ज़्यादा बिखराव तो नहीं है, सारे बच्चे उससे मेल खाते हैं या नहीं खाते हैं, वो अच्छा रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं उस क्लास का। ठीक इसी तरह से उस जो स्टेटिस्टिक्स में जो भी मेरे नंबर्स हैं वो नंबर्स में एक जो नंबर मैंने निकाला सेंट्रल टेंडेंसी से, क्या वो नंबर पूरी की पूरी सीरीज को ठीक से रिप्रेजेंट कर पा रहा है, सीरीज में फैलाव तो नहीं है। उस फैलाव की स्टडी करने के लिए मैं डिस्पर्जन का यूज करता हूँ, और डिस्पर्जन बहुत तरीके से निकाला जा सकता है। बेसिक तरीका है रेंज, सबसे आसान तरीका लेकिन सबसे कमजोर मेथड, बस एक मोटा मोटा ये आइडिया दे देता है कि रेंज कि हमारे पास सीरीज में कितना फैलाव है, हाईएस्ट नंबर में से लोवेस्ट नंबर अगर हम घटा देते हैं तो जितना बीच का जो आंसर आएगा वो रेंज बताता है। ठीक इसी तरह से उससे थोड़ा अच्छा क्वार्टाइल डेविएशन, थोड़ा अच्छा मीन डेविएशन, और जो इन तीनों की कमियों को दूर करता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा से उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्पर्जन में हम स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ते हैं। अब आप ये फिगर देख सकते हैं, इस फिगर में जो रेड है जिसकी पीक ज़्यादा है वो ये बता रहा है कि जो भी मेरा डेटा आया था, जो भी डेटा सेट था, उसमें फैलाव बहुत कम है। मतलब जितने भी सैंपल मैंने लिए हैं, या मैंने पॉपुलेशन का एक पार्ट सैंपल होता है, सैंपल मैंने जितने भी लिए हैं उसमें मैंने एक रिप्रेजेंटेटिव लिया है, तो बाकी जो नंबर्स हैं उसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तो जो जिसकी पीक ऊपर है वो ये बताता है कि डिस्पर्जन कम है, उस सीरीज में फैलाव कम है, आपने जो सेंट्रल टेंडेंसी चुनी है वो विश्वास करने लायक हो सकती है। जबकि दूसरा जो ऐसे पूरा फैला हुआ है ब्लू कलर का, वो ये बताता है कि उस सीरीज में फैलाव बहुत ज़्यादा है। तो जरूरी नहीं है कि जो मेरा जो मीन निकला है या मीडियन निकला है, जो सेंट्रल टेंडेंसी निकली है, वो उस पूरे फैलाव को उतने अच्छे से रिप्रेजेंट कर रही है या नहीं कर रही है, जरूरी नहीं है। तो इसलिए मेरे लिए अच्छा ये है कि स्टैंडर्ड डेविएशन कम हो, पीकनेस ज़्यादा हो। इसको हम क्यूटोसिस से भी डिनोट करते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे। अब अगली सीरीज में हम ये देखते हैं बाईवेरिएंट डेटा। बाई वेरिएंट मतलब दो डेटा सेट है मेरे पास, इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि स्क्यूनेस एंड क्यूटोसिस, हालांकि ये भी सेंट्रल टेंडेंसी के एक आगे वाला पार्ट है, कि मैंने सेंट्रल टेंडेंसी निकाली, उसके बाद डिस्पर्जन निकाला, उसके बाद उसको और अगर गहन अध्ययन मुझे करना है तो मैं स्क्यूनेस और क्यूटोसिस की जो मेरे पास सीरीज आई है वो बराबर है, मतलब जितना ये मीन है मीन के इधर भी इतना ही एरिया कवर कर रहा है और इधर भी एरिया इतना कवर कर रहा है, ये आप डायग्राम से देख सकते हैं। पहले वाले डायग्राम में जो सबसे टॉप में है उसमें आप ये देखिए कि बेल कर्व बना हुआ है, इसका मतलब जो डेटा है वो इसके अंदर समाया हुआ है और बराबर बराबर बटा हुआ है, ज़्यादा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो नीचे के जो दो डेटा हैं, एक लेफ्ट की ओर को झुका हुआ है और दूसरा राइट की ओर को झुका हुआ है, जिसको हम पॉजिटिवली स्क्यूड कहते हैं और नेगेटिवली स्क्यूड कहते हैं, कहीं डेटा ऐसा तो नहीं है? अगर ऐसा डेटा है तो उसके लिए मुझे अलग प्रोसेस लगानी पड़ेगी, अलग चीज़ें लगानी पड़ेगी, उसी अनुसार मुझे डेटा का आकलन करना पड़ेगा।
ये तो हो गई स्क्यूनेस एंड क्यूटोसिस। क्यूटोसिस हमें ये बताता है कि कितनी हाइट है उसकी, कितनी पीक है। ये जब हम करेंगे सीरीज को एक्सपेंड तब इसको हम और अच्छे से देखेंगे। अभी बस एक लेमन टर्म उसमें कि हम ये पढ़ने वाले हैं अपनी सीरीज में। अगला आता है कोरिलेशन एनालिसिस। कोरिलेशन क्या होता है, क्योंकि ये जो सीरीज है ये सीरीज बाईवेरिएट डेटा के ऊपर आधारित है। बाईवेरिएट मतलब दो तरह के डेटा मेरे पास है और उन दो डेटाओं का आपस में अध्ययन करना है। मान लीजिए एक तरफ टेम्परेचर है, एक तरफ टेम्परेचर है, एक तरफ हाइट है। हमको पता है जितनी हाइट ऊपर को हम जाते रहें टेम्परेचर उतना नीचे घटता रहे। तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों डेटास के बीच में, हाइट का डेटा और टेम्परेचर के बीच का डेटा, इन इन दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन है। एक के बढ़ने से दूसरा कम होता है। अब किसके बढ़ने से कौन सा कम होता है ये दूसरा टॉपिक आ जाता है। तो आप ये तीन डायग्राम यहाँ पर, तीन फिगर्स देख रहे हैं, कोरिलेशन की वैल्यू हमेशा जीरो से लेकर के मिनिमम -1 तक जाएगी, मैक्सिमम +1 तक जाएगी। तो -1 से +1 तक घूमता रहेगा। अगर आर यानी कोरिलेशन जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से, आर की वैल्यू अगर +1 है तो +1 का मतलब है कि दो सीरीज आपस में पॉजिटिवली रिलेटेड है, परफेक्ट रिलेटेड है। एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ेगा। जबकि आर की वैल्यू अगर -1 है तो एक के गिरने से दूसरा भी गिरेगा। एक के बढ़ने से दूसरा गिरेगा मतलब उल्टा रिलेशन, ये -1 बताता है। और आर इक्वल टू जीरो का मतलब है दो डेटा के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, हम खाली आपस में उसको बेफालतू में कंपैरिजन कर रहे हैं। ये कोरिलेशन का एनालिसिस है। इसी का ही एक भाई है जिसको हम रिग्रेशन एनालिसिस कहते हैं। इसके थोड़ा सा एक आगे का स्टेप। रिग्रेशन में क्या होता है, मान लीजिए एक कंपनी है और वहाँ पर एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। वहाँ के मैनेजर ने सोचा यार इनकी तनख्वाह कैसे डिसाइड की जाए, वेज कैसे डिसाइड की जाए, इनकम इनकी कैसे डिसाइड की जाए। तो उन्होंने अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर स्टडी करी कि जिसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है उसकी थोड़ा सैलरी हाइक हो जाए, जिसने पढ़ाई ज़्यादा की है उसकी। तो ये अलग अलग वेरिएबल्स को इकट्ठा करके वो इनकम का या वेजेस का एनालिसिस कर रहा है। और जब हम अलग अलग वेरिएबल्स को इकट्ठा करके एक पर्टिकुलर अलग अलग इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इकट्ठा करके डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करते हैं, तब हम जो यूज कर रहे हैं वो रिग्रेशन एनालिसिस यूज कर रहे हैं। अब अगली जो सीरीज है, अगली सीरीज में कवर होगा इंडेक्स नंबर। अब हम धीरे धीरे सांख्यिकी से बाहर आ रहे हैं, पर ये भी अच्छा पार्ट है पढ़ने के लिए, इंडेक्स नंबर, टाइम सीरीज एंड प्रोबेबिलिटी। तो इसमें एक चीज है इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन। पहले इंटरपोलेशन जानते हैं क्या होता है। एक साइड में ईयर दिए हैं, दूसरी साइड में सेल्स दिए हैं। 1991 पे सेल्स थी 100, 1992 पे सेल्स थी 800, 1993 पे सेल्स थी 600। बीच का एक डेटा गायब हो गया और सीधे 95 और 1996 का डेटा दिया है। अगर बीच का एक डेटा गायब हो गया, उससे पहले का डेटा मुझे मालूम है, उसके बाद का डेटा मुझे मालूम है, तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि मैं एक रफ आइडिया लगा सकूं लेकिन सटीक, बहुत करीब, कि 1994 में इतनी सेल्स रही होगी। और जब हम इस चीज़ की स्टडी करते हैं उसको हम इंटरपोलेशन कहते हैं। ऐसे ही इसी का ठीक दूसरा पार्ट है एक्स्ट्रापोलेशन। एक्स्ट्रापोलेशन में क्या होता है, हमारे पास डेटा दिया होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे रखा है कि ईयर वाइज 1991 से 1995 तक दे रखा है, रेगुलरली दे रखा है, और हमें ज्ञात करना है कि अगर इसके बाद कभी 2001 में क्या रही होगी सेल्स, क्या रहेगी सेल्स, थोड़ा इंटरप्रिट करना है मुझे, तब मैं एक्स्ट्रापोलेशन का यूज़ करूंगा। इसके अलग फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले को देख करके हम 2001 की एक वैल्यू निकाल देंगे, एक रफ वैल्यू की अनुमान इतना है कि 2001 में सेल्स रहेगी, बशर्ते कोई उस समय कोई घटनाएं नहीं हुए जैसे कि कोविड हुआ, लॉकडाउन हुआ, या फिर कोई इकोनॉमिक क्राइसिस ना हुई हो। दूसरा इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर आर यूज टू मेजर चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ मनी और द प्राइस लेवल फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसका मतलब क्या है, आज से 10 साल पहले चीनी का दाम कम था, 10 रुपये की 1 किलो चीनी आती थी, और आज जो है 42 से 50 रुपये की 1 किलो अगर चीनी आ रही है तो उसके दाम में कितना अंतर आया, इन्फ्लेशन, महंगाई कितनी बड़ी। तो जब मुझे इस तरह की चीज़ों को निकालना होता है तब मैं इंडेक्स नंबर का यूज़ करता हूँ। हमारा CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो भी इंडेक्स नंबर के आधार पर है। GDP डेफ्लेटर जो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं वो भी इंडेक्स नंबर के आधार पर है। ऐसे ही अब दूसरी अगली चीज़ है टाइम सीरीज एनालिसिस। टाइम सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑन अ सिंगल एंटिटी ओवर टाइम। मान लीजिए मैं एक स्टॉक ले लेता हूँ टाटा मोटर्स का, और देखता हूँ कि 2008 में जब इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी, 2008 में क्या था,
टाटा मोटर का प्राइस क्या था, 2009 में क्या हुआ, 10 में क्या हुआ, 11 में क्या हुआ, 12 में क्या हुआ, यानी एक स्टॉक ले रहा हूँ और उसको अलग अलग साल पे स्टडी कर रहा हूँ। तब मैं क्या कर रहा हूँ, टाइम सीरीज एनालिसिस कर रहा हूँ टाइम सीरीज के माध्यम से। अगर मान लीजिए बहुत सारे स्टॉक को मैं एक ही साल में पढ़ रहा हूँ तो वो टाइम सीरीज एनालिसिस नहीं है, वो क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस है। तो टाइम सीरीज एनालिसिस हम सीरीज नंबर थर्ड में डीपली पढ़ेंगे। इसके बाद फिर एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी आती है, इसमें तो ज़्यादा कुछ नहीं है। जब हम इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं, जहाँ पर हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है, तो वहाँ पर प्रायिकता का यूज़ किया जाता है, यानी प्रोबेबिलिटी का यूज़ किया जाता है कि इसके आने की क्या संभावना है, इस नंबर के आने की क्या संभावना है, इस डेटा के आने की क्या संभावना है, ये हम सीरीज नंबर थर्ड में देखेंगे। और आखिरी सीरीज है सीरीज नंबर फोर्थ, ये मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स मेथड है। इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे जो ये स्टैटिस्टिक्स हमने अभी तक पढ़ी पहले की तीन सीरीज में, इसका इकोनॉमिक्स में कैसा यूज़ होगा। और भी कुछ अलग है स्टैटिस्टिक्स से हट के चीज़ें, जैसे सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस। तो एक एग्जांपल देता हूँ, सेट्स क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। सेट, रिलेशन एंड फंक्शन के एक एग्जांपल देता हूँ ताकि उसको समझ में आ जाए। इसमें लिखा है, अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड इंपॉर्टेंट चीज है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, मतलब मेरे पास ऑब्जेक्ट्स है लेकिन वेल डिफाइंड है। जैसे मान लीजिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लिए, उस क्वेश्चंस को एक बकेट में डाल दिया, एक बकेट है उस बकेट में मैंने क्वेश्चंस डाल दिए और दूसरे बकेट में मैंने आंसर डाल दिए, बहुत सारे आंसर, उन क्वेश्चंस के आंसर डाल दिए। तो ये जो बकेट है, बकेट नंबर वन, ये सेट है क्वेश्चंस का, बकेट नंबर टू ये सेट है आंसर्स का। अब बकेट नंबर वन और बकेट नंबर टू में रिलेशन क्या है कि इस क्वेश्चन, इन जो क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो बकेट नंबर टू में है। तो ये हो गया रिलेशन। सेट्स मतलब इकट्ठा किए हैं क्वेश्चन और आंसर, रिलेशन मतलब उन दोनों के बाद कुछ रिश्ता है, उन दोनों के बीच में कुछ रिश्ता है। रिश्ता ये है कि ये क्वेश्चंस है और ये इनके आंसर है, बट किस क्वेश्चन का आंसर कौन सा वाला है ये हमें फंक्शंस बताता है। इसलिए सेट, रिलेशन एंड फंक्शंस ये आपस में इस तरह से इकट्ठे आते हैं और जुड़े हुए हैं आपस में। ये तो लेमेन टर्म्स में है, जब हम इसको करेंगे तो और डीपली घुस के करेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन एंड इट्स यूज इन इकोनॉमिक थ्योरी। क्या होता है, कभी कभी इकोनॉमिक्स में हमें, हमारे पास कर्व्स होते हैं, टोटल कर्व है, एवरेज कॉस्ट कर्व्स है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। तो मुझे टोटल कॉस्ट से अगर मार्जिनल कॉस्ट में जाना है मैथमेटिकली, तो मैं डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन क्या होता है, इट अलाउ अस टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज। कितने रेट से बदलाव आया है, कितने रेट से इस कर्व पे बदलाव आया है। हर एक इक्वेशन का एक कर्व होता है, ये जो इक्वेशन है एक्सपोनेंशियल, इसका एक कर्व है ऊपर की ओर को जाता हुआ। तो ये कितनी रेट से चेंज हो रहा है, कितनी रफ्तार, एक्सेलरेशन मतलब, तब मैं उसके लिए डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करता हूँ। इकोनॉमिक्स में कैसे यूज होगा, इकोनॉमिक्स में मेरे पास जो टोटल कर्व है, टोटल टोटल नाम से जो भी चीजें हैं, चाहे वो टोटल कॉस्ट हो या फिर बाकी चीज हो, टोटल प्राइस हो, उससे अगर मुझे मार्जिनल चीज निकालनी है तब मैं डिफरेंशिएशन का यूज करूंगा। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का ठीक उल्टा पार्ट है। डिफरेंशिएशन में हम रेट ऑफ चेंज निकालते हैं, डिफरेंशिएशन में हम चीज़ों को छोटा 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 करने का कोशिश करते हैं, इंटीग्रेशन में उन छोटी हुई चीज़ों को बढ़ाने का प्रयास करते हैं कि मेरे पास एक छोटी चीज़ है, इंटीग्रेशन उसमें लगाऊं वो बड़ा हो जाए। तो ये इंटीग्रेशन है। इसको एक एग्जाम्पल से यहाँ देख सकते हैं, ये जो फिगर है, इस फिगर में एक प्लस है एक माइनस है। प्लस मान लीजिए, प्लस जहाँ पर लिखा हुआ है वो ब्लू कलर का जो एरिया है, उसका मुझे एरिया फाइंड करना है, उसका पूरा एरिया निकालना है मुझे। अब ये कोई रेक्टेंगल तो है नहीं कि लेंथ इंटू ब्रेथ कर दूं, या फिर कोई पर्टिकुलर शेप तो है नहीं, कर्व से और दो लाइनों से ढका हुआ ये एक शेप है। इसका एरिया कैसे निकलेगा, इसका एरिया कैसे निकलेगा, एक छोटा सा पतला सा रेक्टेंगल मैं बना दूंगा और उस रेक्टेंगल को पूरे, उस रेक्टेंगल से पूरे के पूरे एरिया को कवर करने की कोशिश करूंगा। जब मैं ऐसा करता हूं तब मैं इंटीग्रेशन का यूज करता हूं और मैं ये डिफाइन कर देता हूँ। इंटीग्रेशन में भी इंटीग्रेशन का सिंबल कुछ एस तरह का होता है और इंटीग्रेशन में ये डिफाइन कर देते हैं हम कि भाई इस जगह से लेकर के इस जगह तक का आपने एनालिसिस करना है, इस जगह से लेकर के इस पर्टिकुलर जगह तक को आपने एरिया कवर करना है। तो ये चीज़ ब्लू कलर के जो ये शेडिड एरिया है, इसको निकालने के लिए पॉइंट नंबर ए से ओरिजिन तक अगर मैं जाऊँगा और उसका एरिया अगर मुझे निकालना है, छोटे छोटे रेक्टेंगल्स को आपस में जोड़ करके एक इसका एरिया निकल जाएगा, ये इंटीग्रेशन है। और डिटेल में इसको देखेंगे सीरीज में, ये तो बस एक लेमेन टर्म्स में। इकोनॉमिक्स में कैसे यूज करते हैं, मान लीजिए मेरे पास एक कार्टिशियन कोऑर्डिनेट है और उसमें एक ग्राफ दे रखा है
डिमांड और सप्लाई का, और मुझे ये पता करना है कि प्रोड्यूसर का सरप्लस कितना है या फिर कंज्यूमर का सरप्लस कितना है। तो ऐसे में मुझे एरिया निकालने की ज़रूरत होगी। एरिया, अब क्योंकि कर्व होगा, डिमांड कर्व होगा, सप्लाई कर्व होगा, तो ये कर्व है, स्ट्रेट लाइन तो होगी नहीं, तो कर्व के अंदर का एरिया कैसे निकालोगे, उसके लिए हम इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं, आखिरी मतलब जो हम पढ़ेंगे इसमें, वो है डिटर्मिनेशन एंड इनपुट आउटपुट टेबल। इनपुट आउटपुट टेबल और डिटर्मिनेशन का यूज़ आपस में मेल जोल कर होता है। कैसे होता है, मान लीजिए टाटा है, टाटा आयरन पैदा करता है, लोहा पैदा करता है, तो जब वो लोहा पैदा कर रहा है, कुछ लोहा वो खुद ही को पैदा करने में लगाएगा, कुछ लोहा ऐसा होगा कि वो स्टील इंडस्ट्री को देगा, कुछ लोहा ऐसा जो वो प्रोड्यूस करेगा वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को देगा। तो कहने का मतलब है उसे कितना लोहा पैदा करना है कि वो अपनी डिमांड तो फुलफ़िल कर सके, अपने साथ साथ औरों की भी डिमांड फुलफ़िल कर सके, जैसे कि वो फुलफ़िल कर सके स्टील इंडस्ट्री की भी डिमांड फुलफ़िल कर सके, वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की भी डिमांड फुलफ़िल कर सके, तो कितना उसने प्रोड्यूस करना चाहिए। जब मैं इस तरह की चीज़ों को पढ़ता हूँ, तब हम पढ़ते हैं इनपुट आउटपुट टेबल्स या इनपुट आउटपुट एनालिसिस, और इसको यूज़ करने के लिए डिटर्मिनेंट्स की हेल्प ली जाती है। ये हम जब सीरीज पढ़ेंगे अच्छी तरह से पता लगाएंगे। तो ये चार चीज़ें, ये चार सीरीज़ में हम ये चारों चीज़ें कवर करेंगे, और हमारी अगली बार से जो वीडियो होगी वो सीरीज़ नंबर 1 से शुरू होगी, जिसमें हम कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।